YouTube चैनल दिस इज सुरा पाठक और ये मेरी चिक्की मिक्की जो कि स्माइल पास करते हुए खड़ी है ये। तो अभी हम लोग आ गए हैं नासिक, यानी कि हम कल रात को आ चुके थे नासिक और कल मस्त बहुत सारा थकान हो गया था तो बहुत खाने पीने के बाद सो गए थे। तो अभी आज मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज हमें निकलना भी है घर के लिए, बट उसके पहले हम नासिक में थोड़ा सा घूमने फिरने जाएंगे और ये रहा मेरा छुटंका। हाँ बोलो। हेलो गाइस, अभी मैं भी एक ब्लॉग बना रहा हूँ और बस अब गायब। तो इनका अलग ही कोई ब्लॉग चल रहा है, भगवान जाने वो कौन सा चैनल है, मुझे भी नहीं पता है कौन सा है। बट ये मेरी चिकन्ना है जो कि बैठी हुई है मेरे साथ में। बोलो बुआ, बोलो बुआ, बोल तो रही थी यार तुम अभी तक बुआ। तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं नासिक में पहले भी घूम चुकी बट अभी मुझे कुछ भी नहीं याद है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं भैया। थोड़ा बहुत क्या बताऊँ यार, मेरा माइंड एकदम शार्प ही नहीं है तुम्हारे तरीके से। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बस खत्म। बच्चा ये क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूं। क्यों खेल रहे हो? मेरे पापा मन तो रहा है। बुआ बुआ मेरा गुल्ली है तो अभी हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। मैं यहाँ पर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। एक्चुअली नासिक में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो भैया के साथ मैं आई थी यहाँ पर, कुछ चीज़ें लेनी थी, नारियल का तेल वगैरह लेना था जो कि यहाँ पर खुद से वो लोग मतलब बनाते हैं, सामने ही मतलब बना के देते हैं। तो इसलिए ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमें मतलब हमारी सिटी में नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारी सिटी थोड़ी छोटी है और नासिक काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी है। तो इसलिए मैं भैया के साथ में आई हुई थी कि चलो थोड़ा सा घूम के भी आते हैं सब लोग और ऐसी थोड़ा मस्ती हो जाएगी, क्योंकि हम दो दिन से बाहर बाहर ही रह गए, साथ में कहीं नहीं जा पाए। तो अभी मैं, भाभी, भैया और ये और बच्चे सब निकल गए हैं एक साथ ही। और नासिक कैसे बोलूँ तो घूमने लायक बहुत अच्छी सिटी ये भी है, अगर एक बार आप आते हैं तो यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तपोवन के लिए, जो कि बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। और आई थिंक यहाँ पर मैं तीन से चार बार तो मैं आ चुकी हूँ जितना मुझे याद आ रहा है, और जगह बहुत अच्छी है। मतलब नासिक में आपको कई चीज़ें मिलेंगी, पांच पांडव गुफा भी है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं गई हुई हूँ, बट अभी फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ तपोवन जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे यहाँ पर पानी वगैरह का है, बट हाँ अभी जैसे पानी कम है, जब यही बारिश होगी ना तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा खासा जो है पानी रहता है। और मौसम तो मतलब कुछ कहने को ही नहीं है कि कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप नासिक आते हैं तो तपोवन ज़रूर जाइए, और इसके आसपास में आपको बहुत सारे, एक लक्ष्मण जी का शायद मंदिर है और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो कि आप जा सकते हो। तो इस बार मैं बहुत कम कपड़े लेकर आई थी, और इसलिए भी कम लेकर आई थी क्योंकि भाभी के कपड़े आराम से मुझे हो जाते हैं और भाभी को मेरे हो जाते हैं। तो एक फ़ायदा तो होता है अगर ननद भाभियाँ सब आसपास के हो ना, मतलब हेल्थ वाइज तो बहुत आराम रहता है। तो मैं, दीदी, भाभी, हम सब एक दूसरे में मतलब चेंज कर ही लेते, तो ये बड़ा आराम होता है। यहाँ पर मेरी चिक्की डांस कर रही है और इसके डांस करने का सिर्फ एक ही स्टेप है, दैट इज़ कि वो दोनों बस फिंगर लेकर के बल्ले बल्ले वाला पोज करती है और इतना खुश हो जाती है ना, गाना वगैरह चलता है कि मज़ा आ जाती है इसका डांस। अरे कहीं हम पूरा खा ना ले इनका। कारण ना याची बॅटरी 5000 mAh ची आहे, म्हणजे
सुबह मैं जा रही थी, मैं कैसा लग रहा है? दुखी हो? अच्छा लग रहा है, देख रही है कैसे बेइज्जती कर रहा है। गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती कर रहा है। अच्छा किसके जाने का दुख है, मेरा अच्छी का है कि जो है फूफा का? फूफा का। फूफा का सुनो, बचपन से हम तुमको पाले हैं, वो दो साल में आके बहुत बड़े हीरो हो गए हो। हैं? दो साल में फूफा बहुत बड़े हीरो हो गए तुम्हारे। तो जी अब हम निकल रहे हैं, आज है बिलाई होली, मेरी विदाई होली, मेरी गुल्लू मेरी विदाई कर ली है। क्या कर ली गुल्लू? विदाई कर ली मेरी, बाय बाय, सबको बाय कर दो। और ये रंग कहाँ से लगाई हो तुम? हाथ में क्या लगाई दिखाओ। बुआ बुआ है वो, चिक्की है ये। मेरे ब्लॉग के बीच में लोग बुआ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, शुभ करने वाले हैं इस ब्लॉग का एंड अपने स्टाइल में, क्योंकि अभी एंड नहीं है, लेकिन ब्लॉग करेंगे एंड। चलो बोलो। तो गाइस आज का ब्लॉग एंड होने वाला, लाइक करके सब्सक्राइब लाइक कर दबा देना एंड। तुम कितना चिल्ला रही हो, चुप तेरी तो। तो बिना रोए धोए मैं इस व्लॉग का एंड करूंगी, बिकॉज मुझे रोना नहीं आता जल्दी और मैं किसी के सामने रो नहीं पाती हूँ। और ये मेरे फादर से मुझे देन है ये चीज़ें, तो मैं क्या बताऊँ, मैं किसी के सामने रो नहीं पाती। बट फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ किस नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए।